कटनी जिले के तहत ग्राम पंचायत सरसवाही और पडरिया क्षेत्र में वन विभाग ने इस साल नर्सरी बना दिया है। साथ ही वन विभाग ने नर्सरी की बाड़बंदी भी कर दी है, जिसके चलते इन ग्राम पंचायत में खेती करने वाले किसानों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग की तानाशाही के रवैये से परेशान किसानों ने कलेक्टर को समस्या से अवगत कराया है और किसानों को राहत दिलाने के लिए गुहार लगाई है, जिस पर कलेक्टर अभी प्रसाद ने वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर समस्या का समाधान करने के आश्वासन दिए। हम लोग कृषि ग्रामीण मजदूर संघ, जो कि एक भारतीय मजदूर संघ का संगठन है, जो कि छोटे छोटे जो है किसानों के बीच काम करता है, जो मजदूरी भी करते हैं और खेतीबाड़ी भी करते हैं। ऐसा हमारे पास शिकायत आई कि सरसवाही और पड़रिया दो ग्राम पंचायतें हैं, जिनके बीच एक बहुत बड़ी जो है नर्सरी वन विभाग के द्वारा बनाई गई है अभी साल भर पहले। उस नर्सरी को जो है 35 हेक्टेयर जैसी बड़ी भूमि में तैयार किया गया है। इतनी बड़ी भूमि जो है में नर्सरी लगाने के कारण जो है वहाँ के किसान जो है अपनी आगे की खेती नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से उनका रास्ता। दो ग्राम पंचायत के किसान अभी यहाँ पर आए थे, उनका मूलतः ये कहना था कि ग्राम पंचायत सरसवाही और ग्राम पंचायत पड़रिया में वन विभाग की नर्सरी है, और उनका ये कहना था कि नर्सरी लगने के बाद जो परंपरागत रास्ता था जो कृषकों को उपलब्ध था, उस रास्ते से आवागमन वन विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। तो उनकी शिकायत का संज्ञान लिया गया है और इस विषय में वन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है कि वो मौके की जाँच करें और जो परंपरागत रास्ता है उसको किसानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित।